अगर टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। हार मेरा विधानसभा क्षेत्र झाझा है, उसमें किंतु परंतु मैं झाझा की प्रत्याशी रहता हूँ, तो मेरा विधानसभा क्षेत्र है, जीत और हार की मैं कभी चिंता नहीं करता। जबल साहू समाज द्वारा आगामी 23 अप्रैल को भामाशाह जयंती मनाने को लेकर प्रसिद्ध हड्डी रोग विशेषज्ञ सह जिला अध्यक्ष साहू समाज डॉक्टर नीरज साह की उपस्थिति में प्रखंड स्तर पर एक दिवसीय जनजागरण बैठक का आयोजन किया गया। डॉक्टर नीरज साह की अध्यक्षता में सिमुलतला के टेलावा बाजार, झाझा के रेलवे क्लब एवं सामुदायिक भवन रतनपुर में एक दिवसीय जन जागरण बैठक का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में साहू समाज के दर्जनों लोग उपस्थित होकर एकमत होकर भव्य रूप से आगामी 23 अप्रैल को भामाशाह जयंती मनाने का निर्णय लिया गया। भामाशाह की जयंती के उपलक्ष्य में जमुई में भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें जिले भर के साहू समाज के हजारों लोग शामिल होकर साहू समाज की चट्टानी एकता का प्रदर्शन करेंगे। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर नीरज साह ने झाझा विधानसभा से 2025 में चुनाव लड़ने पर अपनी दावेदारी पेश कर दी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अगर उनको किसी राजनीतिक पार्टी के द्वारा टिकट नहीं मिलता है तो वे भी निर्दलीय रूप से विधानसभा चुनाव में अपनी दावेदारी पेश करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि साहू समाज की इतनी आबादी होते हुए भी राजनीति में साहू समाज पिछड़ा हुआ है। साहू समाज के लोगों को भी राजनीति में बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी, तभी साहू समाज के लोगों का समुचित विकास हो सकता है। वहीं कार्यक्रम के दौरान जिला परिषद सदस्य अनिल साह ने कहा कि साहू समाज के लोगों को सभी राजनीतिक पार्टीज के द्वारा केवल वोट बैंक के रूप में देखा जाता है, लेकिन किसी भी राजनीतिक दल के द्वारा साहू समाज के लोगों को इतना मान सम्मान नहीं दिया जाता जिसके वो अधिकारी हैं। इसलिए साहू समाज के सभी लोगों को एक साथ इकट्ठा होना पड़ेगा और अपनी चट्टानी एकता का परिचय देना पड़ेगा। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर नीरज साह, जिला परिषद सदस्य अनिल साह, दिलीप साह, पवन साह समेत साहू समाज के गणमान्य व्यक्तियों ने अपना वक्तव्य दिया। देखिए, हमारा साहू समाज जो है राजनीति में बहुत पीछे है और इसी कड़ी को देखते हुए हमारा समाज वोटर मतदाता अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा अगर आंकड़े को देखा जाए बहुत बहुत संख्यक में हम लोग हैं, लेकिन राजनीति में कोई जगह नहीं मिलती है। इसी कड़ी को आज अपने समाज को जगाते हुए कि भाई आप राजनीति में आ गए हैं, इसी कड़ी को देखते हुए 23 अप्रैल को भामाशाह जयंती मनाने जा रहे हैं और उसी भामा जयंती के तहत हम अपनी ताकत को दिखाने चाहेंगे, जो हमारे राजनीतिक लोग हैं, जो पार्टी जुड़े हुए हैं, पार्टी से नहीं जुड़े, कि हम लोग को भी अपनी हिस्सेदारी दें ताकि हम लोग राजनीति में इसका फायदा उठा दें। सर, आपने अपना स्टेटमेंट अभी दिया है कि जिनको भी आपने समर्थन दिया है वो अपने समाज के लिए या फिर व्यक्तिवादी विचारधारा के रखते हैं, तो आप किस तरह से इस चीज को सर प्रमोट करेंगे? देखिए, हम तो शुरू से 20 साल मेरा जम्मू में हो गया, मैं यही देखता हूँ कि जो भी व्यक्ति विधानसभा में जाते हैं उसके इर्द गिर्द वही लोग घूमते हैं। अगर कोई किसी का नाम लेना कुछ नहीं हो, वो अपने समाज के लोग आगे पीछे घूरते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। वो सभी के वोटों से जीता है, उसकी उसके हिस्सेदारी सभी लोगों के साथ उसके साथ रहे, सब समाज को लेकर आगे चढ़े, ये चीज नहीं होता है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर मैं राजनीति में आऊँगा समाज के हर लोगों को बराबर सम्मान दूंगा, चाहे किसी धर्म को हो, किसी समाज को हो, मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता है। लेकिन मैं ईमानदारी से मैं कहना चाहता हूँ, अगर पब्लिक मौका दिया, मैं ईमानदारी से सभी समाज को सम्मान से काम करते हुए आगे बढ़ने का काम करूँगा, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य क्षेत्र में, जहाँ भी हो, मैं सबके लिए समान रूप से सम्मान देने का काम करता हूँ और राजनीति में यही काम करूँगा कि सभी लोगों को बराबर सम्मान मिले। अगर टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। हार मेरा विधानसभा क्षेत्र झाझा है, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं, मैं झाझा की प्रत्याशी रहता हूँ, तो मेरा विधानसभा क्षेत्र है, जीत और हार की मैं कभी चिंता नहीं करता। मैं जहाँ रहता हूँ ऊपर वाले पर विश्वास करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ, हार और जीत की चिंता नहीं है। जनता यहाँ की जो डिसीजन ले उन पर डिपेंड करता है, मेरा काम है जनता के काम के लिए आगे बढ़ना। हम पूरे जिला के, जम्मू जिला के, अपने समाज के लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं ताकि हमारे ताकत लोग देखे। भरी सभा में आपने ऐलान किया है, पूर्ण रूप से जनसमर्थन मिला, क्या जनता इस बार अपेक्षाओं की पूर्ति हो पाएगी? देखिए, मेरा काम है वर्क सेवा करना और शेष काम जनता पर डिपेंड करते हैं। किसी चीज को अपने आप आकलन करना गलत बात हो, ये चीज आप जनता से पूछेंगे डॉक्टर क्या चीज है, नहीं है वो,
कहने का चीज नहीं है, वो चीज जनता का कोई ये काम, मेरा काम है जनता को सेवा देना, वर्क करना, उसमें कभी मैं पीछे नहीं हटा। जमुई टुडे की खबरों से तुरंत अपडेट रहने के लिए डाउनलोड करें प्ले स्टोर से जमुई टुडे ऐप। अगर आप वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसी के साथ अगर आप हमारे वीडियो को Facebook पेज पर देख रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर।